Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained the examples of forming comparative degree and superlative degree from the positive degree. And I'm sure all of you must have learned the 20 examples which I had explained and written in my last two videos. Now today, before I continue with unit 12 comparisons, let's revise the 3 degrees of comparison. Fine. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 47. Students, please take out your English grammar book, turn to page number 47, as I'll be continuing with unit 12, comparisons. Now children, we know that there are 3 degrees of comparison. The first is the positive degree, the second comparative degree, and the third degree is the superlative degree. जो भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, सिंपल एडजेक्टिव्स, वो पॉजिटिव डिग्री में, एंड वी यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजंस. जो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की, वो हम कब यूज करते हैं? व्हेन वी सिंपली वांट टू डिस्क्राइब अ नाउन, जब हमें सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करना होता, वेयर देयर इज नो कंपैरिजन, उसमें हम कहीं भी किसी भी चीज का कंपैरिजन नहीं करते. तो जब सिंपली किसी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं होता है, तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. एंड रिमेंबर चिल्ड्रन, पॉजिटिव डिग्री के पहले ए आ सकता है, एन आ सकता है, वेरी आ सकता है, या एज आ सकता है. सो ये मैं आपको कुछ क्लूज दे रही हूं ताकि अगर सेंटेंस में कोई आए, एंड इफ यू आर आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक और आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन, तो आप कैसे पकड़ोगे? अगर पॉजिटिव डिग्री के पहले हमेशा ए आ सकता है या एन आ सकता है, एज आ सकता है, वेरी. वेयर एज जो सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री, ये हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन इन टू थिंग्स, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्संस और टू थिंग्स, है ना. जब भी किन्हीं दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री. और कंपैरेटिव डिग्री जनरली फॉर्म होती है, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में पढ़ा, एंड में ईआर लगाते हैं, या वो कोई स्मॉल स्पेलिंग वाले वर्ड्स जिनके लास्ट में कॉन्सनेंट्स होते हैं, उस कॉन्सनेंट को डबल करके ईआर लगाते हैं. और जो बड़ी स्पेलिंग वाले वर्ड्स होते हैं, उनके आगे हम मोर लगाते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज जनरली कंपेरेटिव डिग्री के बाद बेटा देन आता है. ये टिप्स अगर आप याद रखोगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वेयर एज जो थर्ड डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, द सुपरलेटिव डिग्री, जो थर्ड डिग्री है, ये ग्रेटेस्ट डिग्री मानी जाती है. और ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें दो से ज्यादा चीजों को कंपेरिजन करना, दो से ज्यादा चीजों से कंपेरिजन किसी चीज का करना होता है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म होती है? जनरली पॉजिटिव डिग्री के एंड में या तो हम एसटी लगाएंगे या ईएसटी लगाएंगे, या जो स्मॉल स्पेलिंग्स वाले वर्ड्स हैं जिनके एंड में कॉन्सनेंट आता है, उनको डबल करके ईएसटी लगा देंगे. और जो बड़ी स्पेलिंग वाले वर्ड हैं, जिनके एग्जांपल्स में अभी आज सिखाऊंगी आपको, उसके आगे हम मोस्ट लगाते हैं. एंड टिप ऑफ द डे क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले द आता है, कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं बेटा? द. ये आप याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है. अब हमने पेज नंबर 47 के जो फर्स्ट 20 पॉजिटिव कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री तो समझ ली, है ना. इसका फर्स्ट रूल था कि जनरली जो हम पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? ईआर एड करके. और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं? ईएसटी ऐड करते हैं. वेयर एज जो स्मॉल स्पेलिंग्स वाले वर्ड होते हैं, जिनके एंड में कॉन्सनेंट होता है, उनकी कंपेरेटिव डिग्री कॉन्सनेंट को डबल करके ईआर ऐड करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कॉन्सनेंट को डबल करके ईएसटी ऐड करते हैं. अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारा 21st वर्ड है ओल्ड. 21st जो हमारी पॉजिटिव डिग्री है, लास्ट हमने हॉट हॉटर हॉटेस्ट किया था, अब उसके बाद है नेक्स्ट जो पॉजिटिव डिग्री है, दैट इज ओल्ड. क्या है बेटा? ओल्ड.
आपको दो डिग्रीज मिलेंगी कंपेरेटिव. वन इज ओल्डर एंड द अदर इज एल्डर. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको ओल्डर कब यूज करना है, एल्डर कब यूज करना है. अब ओल्ड का दो मीनिंग निकलता है. एक तो कहते हैं ना एज से ओल्ड होना, और एक होना कि पुराना, कि दिस इज एन ओल्ड थिंग. तो जब हम कोई पुरानी चीज को कंपेयर करेंगे, है ना, कि पुरानी चीज है तो हम ओल्डर बोलेंगे. लेकिन जब अगर सपोज आपका कोई सिबलिंग है, वो आपसे बड़ा है, तो कहोगे शी इज माई एल्डर सिस्टर, ही इज माई एल्डर ब्रदर, है ना. तो जब हम कोई रिलेशन बताएंगे अपने सिबलिंग का, भाई बहन का, कि वो इससे बड़ा है, तो उसमें हम एल्डर यूज करेंगे. जबकि कोई हम जब पुराने से हम रिलेट करेंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे, ओल्डर. आई बात समझ में? ये जब किसी की, जब भाई बहन को हम बताते हैं ना कि इज माई एल्डर ब्रदर, शी इज माई एल्डर सिस्टर, है ना, तो वहां हम एल्डर यूज करेंगे. और जब कोई पुराने से हम कंसेप्ट करेंगे, वहां हम ओल्डर यूज करेंगे. तो ओल्ड की दो कंपेरेटिव डिग्री है, ओल्डर एंड एल्डर. वेयर एज इसकी सुपरलेटिव डिग्री भी ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट है. ओल्डेस्ट जब कोई चीज बहुत पुरानी है, और एल्डेस्ट क्या करेंगे, सपोज दो से ज्यादा ब्रदर सिस्टर हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा है उसके लिए क्या यूज करेंगे, एल्डेस्ट. ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, कि मेरे तो और भाई बहन भी मुझसे बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, एल्डेस्ट, उसके लिए. तो जहां हम किसी की एज वाइज हम बोलेंगे, हमारे स्पेशली ब्रदर सिस्टर्स को जब हम बताते हैं कि माई एल्डेस्ट ब्रदर, ही इज माई एल्डेस्ट अंकल, तो जहां हम रिलेशन में यूज करके बताएंगे वहां एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे. वेयर एज जब कोई चीज को हम पुराना बताएंगे तो वहां हम ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज करेंगे. क्लियर? तो ओल्ड की ओल्डर भी होगा, एल्डर भी होगी कंपेरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट भी होगा और एल्डेस्ट भी होगा. क्लियर? देन नेक्स्ट इज मच ऑब्लिक मेनी. अब आपको पता है मच हम कहा यूज करते हैं और मेनी कहा यूज करते हैं. आई टेल यू, मच हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वेयर एज मेनी हम यूज करते हैं काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. जो अनकाउंटेबल नाउन्स है, जैसे राइस, शुगर, तो उसके लिए हम मच यूज करेंगे. लिक्विड कोई है तो मच यूज करेंगे. वेयर एज मेनी हम कब यूज करेंगे, जब हम काउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करेंगे. क्लियर? तो मच इज यूज विद यूज टू डिस्क्राइब द अनकाउंटेबल नाउन्स, एंड मेनी इज यूज टू डिस्क्राइब द काउंटेबल नाउन्स. ये बेसिक डिफरेंस है. मच अनकाउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, और मेनी किसको यूज करते हैं डिस्क्राइब के, काउंटेबल नाउन्स को. अब दोनों का ही कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी बेटा, मोस्ट. क्लियर? कंफ्यूज मत करना, है ना. दोनों की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होगी और कंपेरेटिवली मोर होगी. ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है कि मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना. मच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अनकाउंटेबल नाउन्स, वेयर इज मेनी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द काउंटेबल नाउन्स, वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं. क्लियर? और दोनों की कंपेरेटिव डिग्री मोर है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट. नाउ अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म एकदम डिफरेंट होता है. बहुत बच्चे इसमें, मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं. कहते हैं ना, ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड पर्सन, है ना. तो अब गुड का मतलब तो अच्छा होता है, तो बहुत सारे बच्चे गुड की कंपेरेटिव डिग्री गुडर लिख देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री गुडेस्ट. बेटा कीप इन माइंड कि ना गुडर नाम का कोई इंग्लिश वर्ड है, ना गुडेस्ट नाम का कोई एडजेक्टिव है. गुड की कंपेरेटिव डिग्री इज बेटर. गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, और सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, सबसे अच्छा. अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा, बेस्ट. क्लियर? तो ध्यान रखना, बच्चे यहां इसमें बहुत गलती करते हैं. गुड की कंपेरेटिव डिग्री बेटर है,
और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है। बट बच्चों के दिमाग में बैठा रहता है कि ER लगा देना है तो कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी, EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव। नो, इट इज नॉट दैट। आपको ये जितने भी आपके दिए हुए हैं ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन दिए हैं आपके पेज नंबर 47 में, वो आपको लर्न करना है। तो गुड की कंपेरेटिव डिग्री क्या है, बेटर, एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट। ये याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब हम सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री कब यूज करेंगे, जब हम कोई दो चीजों में कंपेरिजन करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री कब यूज करेंगे, जब हमारा कंपेरिजन दो से ज्यादा चीजों से होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज बैड। अब बैड का भी गुड के जैसे ही, बैडर और बैडर्स नाम की कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता है। बैड की जो कंपेरेटिव डिग्री है दैट इज WORSE, वर्स। और सुपरलेटिव डिग्री है WORST, वर्स्ट। सो बैड, वर्स, वर्स, गुड, बेटर, बेस्ट। जनरली इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। गुड की कंपेरेटिव डिग्री इज बेटर, बेस्ट, अच्छा, बेटर और अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। वेयर एज बैड का बुरा, वर्स और बुरा, एंड वर्स्ट सबसे खराब या सबसे बुरा। क्लियर? सो बैड, वर्स, वर्स्ट। ना आप इस पे कहीं पे मार्क कर लो कि आपको ये बाय हार्ट लर्न करना है, नहीं तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स वो गुड का गुड और गुडेस्ट कर देते हैं और टीचर भी उनको बैड मार्क्स दे देती है। सो डोंट डू दैट। बैड का कंपेरेटिव डिग्री इज वर्स एंड सुपरलेटिव डिग्री इज वर्स्ट। क्लियर? नाउ अब थोड़ी बड़े स्पेलिंग्स वाले हम एडजेक्टिव्स लर्न करेंगे, ठीक है ना। नाउ लुक एट द एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट। ये बिग वर्ड है, बिग स्पेलिंग है ना। वो टू सिलेबल्स से ज्यादा इसमें सिलेबल्स है। अब सिलेबल्स आपको मैं फोर या क्लास फोर में समझाऊंगी कि सिलेबस क्या होते हैं, है ना। तो अभी आप इतना याद रखो कि जो बिग स्पेलिंग्स वाले बिग वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग बड़ी है ना, उनके हम कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे। जो बिग वर्ड्स हैं, बिग स्पेलिंग्स वाले वर्ड्स हैं, उनमें आपको कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आगे, मोर। तो इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोर इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट एज इट इज रहेगा, उसके आगे हम क्या लिख देंगे, मोर। क्लियर? और सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, ये हमने मोस्ट अभी लर्न किया है ना, बस मोस्ट को यहाँ लिख देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बिग जो स्पेलिंग्स वाले एडजेक्टिव्स हैं उनके आगे कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो मोर लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो उनके आगे हमको क्या लगाना है, मोस्ट। क्लियर? सबको याद रहेगा ये, अगर समझ जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन आपका कम हो जाएगा। जो बिग वर्ड्स है, बिग स्पेलिंग वर्ड्स हैं, उनके हमें सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी तो उनके आगे बस मोर लिख देना है, सॉरी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म, आई एम सो सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो मोर लिख देना है, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो मोस्ट लिख देना है। क्लियर? तो ये दिमाग में बैठा लो कि जो बिग वर्ड्स हैं, बिग वर्ड्स मीन्स बिग स्पेलिंग वाले वर्ड्स, उनकी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो उनके आगे हमको मोर लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी तो उनके आगे मोस्ट। आपने यहाँ पे मच मैनी का मोर मोस्ट याद किया था ना, तो ये याद रखो, मोर कंपेरेटिव डिग्री, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, एंड द बिगर वर्ड्स, बिग स्पेलिंग वर्ड्स, उनके आगे हमें मोर लगाएंगे तो कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी, एंड मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल अगेन इज अ बिगर वर्ड, वर्ड विद, इट्स अ बिगर वर्ड, बिगर वर्ड्स मीन्स बिग स्पेलिंग वाला वर्ड है ना। सो अब इसकी कंपेरेटिव डिग्री हम कैसे फॉर्म करेंगे, इसके आगे भी हम मोर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटिफुल। तो ये हमारी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, मोस्ट ब्यूटिफुल। सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे तो हम लिख देंगे मोस्ट ब्यूटिफुल। क्लियर?
जो बिगर वर्ड्स हैं, बिगर वर्ड्स मीन्स वर्ड्स विच हैव गॉट बिगर स्पेलिंग्स, बिगर वर्ड्स मीन्स वर्ड्स विच हैव गॉट बिगर स्पेलिंग्स, उनकी कंपेरेटिव डिग्री फॉर्म करनी तो उनके आगे आप देख रहे हो ना मोर लगाना है, एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी तो उनके आगे क्या लगाना है बेटा, मोस्ट। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट 27th वर्ड इज सीरियस। अगेन सीरियस इज अ बिगर वर्ड, दैट मीन्स अ वर्ड विद अ बिग स्पेलिंग, सो द कंपेरेटिव डिग्री विल बी more serious, and superlative degree will be most serious. Yeah. So here you have seen that how bigger words form their comparative and superlative degree. We form the comparative degree of bigger words. Bigger words means words which have got big spelling by adding more before the word, and superlative degree how do we form? By adding most before the word. Clear? So let's revise, then I'll erase and write the remaining ones. Old, positive degree, the comparative degree is older and elder, the superlative degree is oldest and eldest. दिमाग में क्या रखना है? ओल्ड हम कहाँ यूज करेंगे? जब कोई चीज हमको पुरानी बतानी, और एल्डर कहाँ यूज करेंगे? जब हमें किसी भी अपने रिलेशन को एज में अपने से ज्यादा बताना है. क्लियर? ओल्डेस्ट, दिस ट्री इज द ओल्डेस्ट, है ना, ये सबसे पुरानी पेड़, बट ही इज माय एल्डेस्ट ब्रदर, है ना. जब हमें रिलेशन बताना है तो हम एल्डर और एल्डेस्ट यूज करेंगे, और कोई चीज पुरानी सबसे पुरानी बतानी है तो हम older or oldest use करेंगे. Clear? Then the 22nd one is much and many. Much is used to describe uncountable nouns, whereas many is used to describe the countable nouns. Much and more, दोनों की comparative degree is more, and much and many की superlative degree is most. More हम bigger spellings वाले adjectives के आगे लगाएंगे तो comparative degree form हो जाएगी. मोस्ट हम बिगर स्पेलिंग्स वाले एडजेक्टिव्स के आगे लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी. देन गुड, द कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट. देन बैड, द कंपैरेटिव डिग्री इज वर्स एंड द सुपरलेटिव डिग्री इज वर्स. नाउ ऑल द बिगर वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव्स व्हिच हैव गॉट बिग स्पेलिंग्स टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री, we'll add more before them, and to form their superlative degree we'll add most before them. So important, more important, most important. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Serious, more serious, most serious. Clear? So now I'm going to erase and I'm going to write the 28th word. Now the 28th word is honest. I hope all of you know honest. H remains silent. इसमें हम H का sound नहीं निकालते. इसको हम honest बोलते. How do we pronounce it? Honest. Honest again is a bigger word. So the comparative degree will be more honest, and the superlative degree will be most honest. Clear? Honest, more honest, most honest. Now the next 29th word is handsome. Again a bigger word, which means a word with big spelling. The comparative degree will be more handsome. Handsome जानते हैं ना, कोई मेल जो बहुत दिखने में सुंदर हो उसको हैंडसम बोलते हैं, फीमेल है तो ब्यूटिफुल. एंड सुपरलेटिव डिग्री विल बी मोस्ट हैंडसम. एंड देन द लास्ट वर्ड ऑफ पेज 47 इज कंफर्टेबल. बिगर वर्ड, बिग स्पेलिंग वर्ड. सो द कंपेरेटिव डिग्री विल बी more comfortable, and
the superlative degree will be most comfortable. Clear? So I hope all of you have understood and you learn these 30 degrees of comparison by heart. So that's all for today, children. Do learn these 30 degrees of comparison. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.